आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, तो गाइस हमारे पास ये 4440 का ऑडियो एम्पलीफायर का बोर्ड है। तो गाइस इसका हम बनाने वाले हैं गाइस एम्पलीफायर। तो गाइस ये एम्पलीफायर होगा बहुत तगड़ा और अच्छा होगा गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस किस तरीके से, तो सबसे पहले गाइस हम बनाने से पहले से एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम इसका देखने वाले हैं, इसकी जो वायरिंग है वायरिंग देखने वाले हैं सबसे पहले। तो गाइस वायरिंग एकदम खुला खुला है, एकदम इजी है गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें बेस ट्रेबल के लिए एक होना है बस ट्रेबल, और यहाँ पे वॉल्यूम के लिए एक होना है, बस तीन वॉल्यूम होना है। आउटपुट के लिए यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये एक है और ये एक है, तो ये दो ऑडियो के रहने वाले हैं स्पीकर के लिए, और यहाँ पे भी उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑडियो के रहने वाले स्पीकर के लिए। तो गाइस एम्पलीफायर बनाते समय गाइस हमें स्पीकर का ध्यान देना पड़ेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि गाइस स्पीकर में जो ऑडियो के जो आउटपुट रहते हैं ये इसको बहुत देख के लगाना पड़ता है, क्योंकि गाइस ये जो स्पीकर के वायर है अगर ग्राउंड को अगर एक भी टच हो जाता है, दोनों में से एक भी अगर टच हो जाता है तो आईसी जल जाएगी, फिर आईसी नहीं डालना पड़ेगा गाइस। तो इसलिए हमें स्पीकर को अच्छे से अच्छे स्पीकर के वायर लगा देना है और ग्राउंड को टच होने नहीं देना है, इतना केयरफुली देखना है गाइस, ज्यादा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या 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 है गाइस, देखिए तो गाइस यहाँ पे स्पीकर हो जाएगी, ठीक है, ये दो है और यहाँ पे दो है स्पीकर के, और वॉल्यूम के लिए ये रहेगा जो वॉल्यूम के जो सेकंड नंबर पे जो पिन होती है इधर लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम के सेकंड नंबर पे, वॉल्यूम के फर्स्ट नंबर पे ये लगने वाले हैं बीटी बोर्ड के, क्योंकि यहाँ पे बेस ट्रेबल का है सेक्शन है इतना, और इसमें से इसमें ऑडियो आउटपुट आएगा, तो ये पूरा वॉल्यूम में जाएगा एक नंबर पिन में। तो देखिए एक नंबर पिन का हो गया, और ये दो नंबर पिन का बीच का लगेगा आईसी में का, और ये जो तीन नंबर का है इसको ग्राउंड लगा देना है किसी भी तरह के, ये बीच में है तो ये ग्राउंड लगा देना है गाइस। तो इस तरीके से तो गाइस ये हमारा एम्पलीफायर बन जाएगा गाइस, ठीक है। तो बीटी बोर्ड का तो इजी है गाइस, बीटी बोर्ड हमें सबसे पहले लगा देना है, लगा के प्ले करके हमें वॉल्यूम घुमा के देख लेना है कि किस तरीके से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप हमें कर लेना है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे गाइस अगर यहाँ पे गाइस 5 वोल्ट की आईसी है गाइस, 5 वोल्ट की आईसी है, तो गाइस इसे MP3 मॉड्यूल लगता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इनबिल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन दिया हुआ है, तो 5 वोल्ट का सेक्शन के हिसाब से हमें देखना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे 7805 लिखा होता है, तो जो 5 है 5 के जो नीचे तीन नंबर की पिन है, तो ये तीन नंबर की पिन पे आउटपुट आएगा 5 वोल्ट गाइस, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट लेना, एक ग्राउंड ले लेना है और ये 5 वोल्ट लेना है, तो ये दो पिन MP3 मॉड्यूल के लिए ये दो लगेगी। तो अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ एम्पलीफायर बनाना है। ये वायर टूट गया था, लग गया, तो ये होगा एम्पलीफायर। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो मास्टर वॉल्यूम ये रहेगा, और बीटी बोर्ड के लिए ये दो वॉल्यूम रहेंगे, और स्पीकर के लिए हम ये होम थिएटर का जो स्पीकर है, तो स्पीकर देखिए गाइस 10 वैट का है, 4 ओम 10 वैट का है गाइस, ठीक है। तो ये स्पीकर पे हम टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए गाइस हम स्पीकर लगा देंगे। तो अब इसे लगाएंगे ट्रांसफार्मर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ 4 डायोड लगे हुए हैं, तो इसके जो बीच में है यहाँ पे लगा देना है। ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया स्पीकर, हो गया वॉल्यूम का, हो गया। तो अभी गाइस इसमें इनपुट के लिए लगाएंगे। तो गाइस इनपुट के लिए हम ये इस तरीके से पिन लेंगे, ये एयरफोन की पिन है, एक वायर जाएगा गाइस ग्राउंड की तरफ, और ये लेफ्ट राइट रहेगा। तरीके से लेफ्ट राइट होगा और ये चलेगा, ठीक है। तो अभी टेस्ट करके देखेंगे, ये स्पीकर है उसका। तो गाइस सेटअप लग गया है, हम पावर लगाएंगे। तो देखिए पावर लगा दिए, लाइट आ गया, इसमें पावर आ रहा है। तो गाइस अब इसमें ऑडियो प्ले करेंगे।
बेस होगा, ये बेस के लिए होगा वॉल्यूम, और ये ट्रेवल के लिए रहेगा। ये तो किस तरीके से चलेगा, इस तरीके से आवाज आएगा इसकी। तो गाइस इस तरीके से आवाज है गाइस, ठीक है इसकी। तो गाइस इस तरीके से हम सेटअप बना के हम एम्पलीफायर बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।